दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650 और इसका नाम है लेजर। फिलहाल जा रहे हैं हम एक मित्र के यहाँ, उनके पास हीरो की इलेक्ट्रिक साइकिल है और इलेक्ट्रिक साइकिल से इस समय मेरा काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। साइकिलिंग काफ़ी पसंद आई मुझे, इसके साथ मैंने पहले ही चालू की, बट काफ़ी बढ़िया चीज़ है हेल्थ के लिए भी और जेब के लिए भी। जिस टाइप से पेट्रोल के प्राइसेस और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बहुत सही रहेगा कि हम लोग साइकिल को भी थोड़ा अपने लाइफ में जगह दें। और इलेक्ट्रिक साइकिल इसलिए क्योंकि जब तक पैडल मर रहा है भाई, मार लो पैडल, नहीं तो फिर कम से कम काम आ जाएगी बिजली, प्लस आप थोड़ा फास्ट भी भगा सकते हो ज़रूरत पड़ने पर अगर जल्दी में हो तो इसलिए। बट देखना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास उसका एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम थोड़ा जा रहे हैं मिलने। इलेक्ट्रिक बाइसाइकल्स सक्सेसफुल रहेंगी या नहीं रहेंगी ये देखना है। अच्छा, सही बोले, कलर भी बहुत अच्छा है। कलर भी है बढ़िया सा। तो क्या रिव्यू है, क्या रिव्यू है? ये वो तो अच्छी मेरे है, तो अच्छी नहीं लगी। वो तो अच्छी है, इसका बैटरी उतनी अच्छी नहीं है, 2 साल हुआ है। हाँ। रेंज कम हो गई। कितना कम हो गया? पहले कितना था? याद तो नहीं है, बट एक चार्ज में बहुत चलती थी और अब 30 किलोमीटर कहते हैं। हाँ, शायद। अच्छा, बैटरी का बस इशू आ रहा है और कोई? एक बार आप चलाइए तो आपको पता चलेगा। हाँ हाँ, एक सेकंड, मतलब मैं पहले ये पूछे, बैटरी का बस इशू है और कोई इशू नहीं है, बाकी सब इसका सही रहता है? कितने की पड़ी थी? 30,000 की, 2 साल पहले। और नई बैटरी या बैटरी चेंज करवाना हो तो कितने पड़ती है? पता नहीं, करवाऊंगा तो। नहीं मतलब वर्थ है कि नहीं है? काइंड ऑफ वर्थ है। मैं तो यार वेट कम करने के लिए चलाता हूँ बस, है ना, मैं हेल्थ इश्यूज की वजह से चलाता हूँ, तो मुझे वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल की। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट हो रहा है कि ठीक है पैडल मारते रहो, मान लो जरूरत पड़ जाए। अब रीवा में तो आ रही है, अब तो इलेक्ट्रिक बहुत आ रही है, ज़्यादा। चला के देखें, कोई दिक्कत नहीं ना, डालें? चलो कोई बात नहीं, ये वाली मेरे में भी लाइट लगी है। मेरे में बहुत ऐसी थी, बॉटल होल्डर मैंने निकाला वो खराब हो गया था एक्सीडेंट में मेरा। हाँ, बहुत एक्सीडेंट भी कर चुके इसका? अरे जिस दिन फर्स्ट डे आई थी उसी दिन किया था, उस दिन मैं दिल्ली से इसको खरीदा था, फिर इधर ट्रांसपोर्ट में आई। अच्छा, यहाँ नहीं मिलती थी? नहीं, 2 साल पहले कहाँ थी, तो पता नहीं यार। क्विक रिलीजर होता है ना आगे इसमें टायर के, वो मैंने निकलवा दिया, तो जब ट्रांसपोर्ट में आ रही थी तो उन्होंने क्विक रिलीजर खोल दिया था और आ गई, और मैं एक्साइटमेंट में लेके निकला और टायर निकल गया। ये लॉक है ना, शौकीन आदमी हो यार, है शौक अप वगैरह सब लगवा लिया, क्योंकि वही मैं देख के लग रहा था इसमें शौक अप नहीं होता है, इसमें उस तरह का रहता है थोड़ा, तो जो पतला से जाता है, ओरिजिनल बहुत पतला रहता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा। ये क्या है? ये तो उसका वो है, क्या क्या दिखाता है, मोड चेंज करने के लिए, हाई मीडियम लो, और ये उसका था क्रूज कंट्रोल का, और लाइट का था, तो लाइट मेरे एक्सीडेंट में टूट गई तो लग गया। अच्छा, क्रूज कंट्रोल तो खैर उसमें था, दिखाया था, लेकिन वो अजीब लग रही थी। वो क्रूज कंट्रोल मेरा तो काम ही नहीं करता, पता नहीं। डूडल का हमने चलाया ना, डूडल तो उसमें था क्रूज था और सब सही था, प्राइस बहुत हाई थी यार, 78,000। मेरे को तो उसका लुक अच्छा नहीं लगा, लुक भी नहीं अच्छा लग रहा, साइकिल है ना टायर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सब लोग देखते हैं क्योंकि नई है मार्केट भाई, हमको पैडल मारना है और फिर अगर हमको जरूरत पड़े तो फिर
चलो यूज कर लेंगे बिजली का इसमें, बाकी हमको तो मेन पैडल मारना, हमारे किसी काम की जरूरत नहीं, तो हमको तो मजबूरी है हमारी, तो हम तो बहुत लंबा चलाते भी हैं यार। चलो ट्राई करके देखें। ये रेड क्यों चल रही है इसमें? वो ऐसी लाइट है रेड। ये क्या चीज़ है? गियर। सिर्फ बैक बैक गियर नहीं, फ्रंट में नहीं था गियर। तो ये चालू है एक्सेलरेटर इसका? हाँ चालू है। ये तो गियर है ना वो? ये क्या है? हाँ गियर है ये। अच्छा चेंज करने के लिए? हाँ चेंज करने। और ये चालू है? आराम से। पैडल में भी बढ़िया है? हाँ पैडल में पावर ज्यादा आती है। अलग तरह की थोड़ा एमपीवी नहीं है तो हमको इसी की आदत है। लेकिन इनका इसका वीडियो तो जरूरी है ना भाई? पीयूष विहान द्विवेदी और आपका अक्षय पीयूष पांडे मृदुल पटेल पीयूष और मोहित सेन पीयूष और कौन है दोस्त तुम्हारे? पीयूष पांडे और ये भी दोस्त हैं? अच्छा पीयूष पांडे क्या नाम है आपका? किस क्लास में है सब? हाँ एट्थ में। मालूम हम कब थे? 1998 में लगता था। हाँ तो वो तो और बड़े होंगे। चलो थैंक यू दिखाने के लिए साइकिल, मिलते हैं फिर। ठीक है भाई बाय। मैं 8th में तब था जब ऋतिक की मूवी आई थी यार, कहो ना प्यार है, 2000 में था यार। सॉरी मैं 1998 बोल गया, 2000 में था मैं, 2000 में 8th में था, मतलब 22 साल पहले। 22 साल पहले मैं 8th में था। अरे यार तब तो ये लोग पैदा ही नहीं हुए रहे होंगे। लेकिन शौकीन लड़का है, डिस्क ब्रेक पीछे लगवा लिया है और शॉकअप्स लगवा लिए हैं, तो शौकीन है, अच्छी बात भी है। और इंटरसेप्टर भी जिससे मैंने रिव्यू दिया था वो वाली मिल गई। चलो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल फिलहाल मेरे बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि 40-50 किलोमीटर तो मेरे लिए नॉर्मल है, मैनुअल साइकिल से ही पैडल ही मार लूँगा मैं उतना। और जल्दी मुझे कहीं पहुँचना होगा तो मैं बाइक ही फिर लूँगा, हो गया तो ठीक है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे चल के देखेंगे, मूड होगा तो ख़रीद लेंगे। वैसे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मूड नहीं बनता, फ़िलहाल हमें अपनी साइकिल पसंद है, क्योंकि अगर पैडल नहीं मारेंगे तो शुगर कैसे बर्न होगा, कैलोरी कैसे बर्न होगी, इसलिए मैं हर रोज़ सुबह उठ सो के उठता हूँ और सोचता हूँ कि यार बहुत दिन हो गया पिज़्ज़ा नहीं खाया, एक दिन खा सकते हैं, फिर शाम होते होते हम टाल देते हैं कल पे, पर पिज़्ज़ा खाना है यार। दो भाई स्ट्रीट किचन भी आशीष का चालू हो गया, तो फिर से निकल आया हम साइकिल चलाने के लिए। एक रस पी के आए मार्केट जा रहे हैं अब गन्ने का रस पीने। पिए
आओ एक एक गिलास मारते हैं। भाई एक गिलास। नमक नींबू डाला है? कम पड़ेगा तो बताइए। ठीक लेते बढ़िया है। जब फिर सर्दी खुदा हट रही है इसमें। गन्ने से के रस से ज्यादा टेस्टी ड्रिंक और कोई नहीं है दुनिया में, है ना? एकदम एडिक्शन हो जाता है आदमी को, खासकर गर्मी में। इससे भी अच्छा लगता है भाई ने फल। चलो 10-10 की फुल्की खा लेते हैं। ए तुम्हारा जगह कैसे चेंज हो गया? दूर से मिला का बंद है। हम मोटरसाइकिल नहीं थे, हम साइकिल में जैसे समझ गए। गाड़ी वगैरह में तो थोड़ा धोखा क्या हो गया। चलो हो गया। हम अपने दोस्त को फोन कर ले, बेचारा आगे चला गया। हमारे घर के आगे तुम लगा लो तो हम तो बोलेंगे लगाए रहो। कहाँ आपका घर? नहीं, हमारा घर मेन रोड में नहीं है, कुछ न बिकेगा। क्या एक मीठी वाली तो बनती है। क्या होगा, घूम गया क्या? क्या हो गया कि बचा? और खिला दो। कल हमारे टेल लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आज उसको चार्ज किया हमने। बटन ही बहुत छोटी है इसकी, और आज इसकी बैटरी चली गई, तो अब इसको चार्ज करेंगे हेडलाइट को अपने। बहुत बड़ी है यार, फालतू में इतनी बड़ी ले ली, छोटी वाली ठीक रहती हैं। ये बहुत अजीब सी दिखती है मुझे, अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब लगता है पैसे लग गए हैं तो कौन नई खरीदे। मेरी बाइक बढ़िया चमक गई है काफ़ी दिनों बाद, तो बहुत गंदी थी। लग गई हमारे साइकिल की हेडलाइट भी चार्जिंग में। बहुत ज़्यादा बड़ी है मुझे लगता है साइज़ में, छोटी वाली लाइट ठीक रहती है। ये एकदम अलग सी दिखती है, बेढंगी टाइप से, पर पैसे लग गए तो यार हो गया, लाइट तो आई। ये रहा हमारा सोनी का चार्जर। अब किस फ़ोन का है मैं याद नहीं है, पर है बहुत पुराना, ये 10 साल पुराना है। फ़ोन चला गया, उसका केबल ख़राब हो गया, पर ये बचा रह गया। सको तो कुछ भी चार्ज करना हो ये काम आता है, चाहे ये घड़ी चार्ज करनी हो डाटा केबल इसमें लगा दो, चाहे ये हेडलाइट, चाहे टेल लाइट, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत काम आता है। तो बज रहे हैं रात के 12, और हमने सोचा यार सुपरमैन और लोइस का लास्ट एपिसोड का, यानी फर्स्ट सीजन का लास्ट एपिसोड जो है उसके 20-25 मिनट बचे रह गए थे आज, तो वो कंप्लीट कर लिया जाए और थोड़ा ड्रिंक्स एंजॉय कर लिया जाए। ड्रिंक्स मतलब वो प्रोटीन शेक, क्या वॉक भी कर लिया, साइकिलिंग भी कर ली, थोड़ा ड्रिंक नहीं मतलब प्रोटीन शेक पी लिया जाए, थोड़ा प्रोटीन बॉडी को मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो चलो हम सुपरमैन लोइस एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर 20-25 मिनट सो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।